वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान ही साफ कर दिया था कि सरकार निजीकरण के एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन सरकार सब कुछ बेच देगी, शायद ये विपक्षी दलों को भी नहीं पता था। सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि सरकार का लक्ष्य 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है और इसके लिए रेल, सड़क, हवाई अड्डा, गैस, बंदरगाह सब कुछ बेचने की तैयारी है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों का निजीकरण होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा कर दी है। एनएमपी के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम सभी कुछ निजी क्षेत्रों के हाथों में चला जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे। निजीकरण के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और बड़ोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है। निजीकरण की सूची बहुत लंबी है, कई कंपनियां निजीकरण के दायरे में हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार को विपक्ष ने घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया, केंद्र सरकार ने युवाओं के हाथों से रोजगार छीन लिया, पीएम मोदी अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं, कोरोना में सरकार ने कोई मदद नहीं की, सड़क मार्ग, रेलवे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइपलाइन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, खनन, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टेडियम, ये सब किसको जा रहा है? इन सबको बनाने में 70 साल लगे हैं, ये 3-4 लोगों को दिया जा रहा है, आपका भविष्य बेचा जा रहा है, 3-4 लोगों को तोहफे में दिया जा रहा है। सरकार ने 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क, पेट्रोलियम का नेटवर्क, सरकारी गोदामों, 25 एयरपोर्ट और 160 कोयला खदानों को बेच दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कभी भी निजीकरण के विरोध में नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेच रही है, हम इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम निजीकरण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा निजीकरण तार्किक था, घाटे वाली कंपनी का निजीकरण करते थे, ना कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण विभाग का। अब निजीकरण मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है, मोनोपोली से रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। इस देश में जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं, जो कल आपको रोजगार देंगे, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 3-4 व्यवसाय रहेंगे, इनको रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मोदी सरकार में लगातार निजीकरण बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ाने का वादा करने वाली सरकार खुद रोजगार कम कर रही है, ऐसे में सरकार का विपक्ष के निशाने पर आना तो लाजमी है।